आज हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो मन कहता है हम उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं और ये मन कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। मन यदि भरता है तो ये परमात्मा से ही भरता है, परमात्मा के अलावा ये मन कहीं पर भी भरने वाला नहीं है। आप लोग जीवन भर प्रयास करके देख लो, ये मन कभी नहीं भरता। ये मन बकरी जैसा है, बकरी को आप कितना भी खिलाओ बकरी का मुंह कभी बंद नहीं होता, वो जब भी आती जब भी खाती रहती। उसी तरह से ये मन कभी भी शांत नहीं होता है। आप इसको जितना देते जाओ जितना देते, ये संसार से ही मन भरने वाला नहीं है। ये मन यदि कभी भरेगा परमात्मा से भरेगा। और जिन संतों ने इस मन को परमात्मा से जोड़ दिया उनका मन भर गया, अन्यथा आप दुनिया से इस मन को लगाए रखो, ये मन हमेशा खाली रहेगा, ये हमेशा मन रिक्त रहेगा, ये हमेशा मन अतृप्त रहेगा। दुनिया में मन भरता क्यों नहीं है, उसका एकमात्र कारण ये है, ये मन परमात्मा की विभूति है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था इंद्रियों में मैं मन हूं, इसलिए ये मन संसार में नहीं भर सकता है। आप कुछ भी यहां पर कर लो, यहां सिवाय भटकाव के, यहां सिवाय परेशानी के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस मन को जब आप परमात्मा से जोड़ते हो तो ये मन तभी जाकर के भरता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी जीवन में तनाव मुक्त होने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है। और ये ज्ञान कहां से होगा, कैसे ज्ञान होगा, तो ज्ञान भक्ति से होगा। शिव पुराण कहता है ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भक्ति, तन माता मम भक्ति चौ, मेरी भक्ति ही, भगवान शंकर कहते हैं मेरी भक्ति उस ज्ञान को पैदा करने वाली है। जब आपके जीवन में परिपक्व भक्ति आएगी तो आपके जीवन में ज्ञान भी अपने आप आ जाएगा। मीराबाई के नाम से आप सब लोग परिचित हैं। मीराबाई के जीवन में कैसी भक्ति थी, किस उम्र से भक्ति थी? मीराबाई केवल 6-7 साल की छोटी सी बच्ची थी। घर के सामने से, महल के सामने से एक बार कोई बारात निकल रही थी तो छोटी सी बच्ची ने पहली बार बारात देखी तो अपने पिता से पूछा कि पिता ये क्या हो रहा है? कहा ये बारात निकल रही। बारात क्या होती है? कहा दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है, लड़का लड़की को लेने के लिए जाता है, दोनों का विवाह होता है। तो मीरा ने पूछ लिया कि प्रत्येक लड़की का दूल्हा होता है? हाँ दूल्हा होता है, तो मेरा दूल्हा कौन है? अब उस छोटे सी बालिका को पिता क्या बताए कि कौन तेरा दूल्हा है? तो पिता ने बात टालने के लिए कह दिया तेरा दूल्हा कृष्ण है। कौन है तेरा दूल्हा? कृष्ण। और उसी समय से मीराबाई ने कृष्ण को अपना दूल्हा मान लिया और जीवन पर्यंत कृष्ण को अपना दूल्हा माना। तो मीराबाई के जीवन में भक्ति भी आई, मीरा की बाई के जीवन में ज्ञान भी आया और मीराबाई के जीवन में वैराग्य भी आया। भक्ति पूरी सबको देने वाली। मेरा भाई का बहुत प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा भाई ने फिर किसी से कोई मतलब नहीं रखा। मेरा भाई कहती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बर बर ये गोपाल जो मारो चुलड़ो अमर। ऐसे बर के साथ में, ऐसे दूल्हे के साथ में क्या विवाह करूं मैं जो जन्मता है मरता है, मैं तो ऐसे दूल्हे के साथ में फेरे लूंगी कि जो कभी मरता ही नहीं, जो हमेशा अमर रहता है, और मैं भी हमेशा सुहागिन रहूंगी। और मेरा भाई गाती है आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।